हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास सेवेंथ का चैप्टर टू फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ये पार्ट वन वीडियो है जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन टू फ्रैक्शन एंड मोर देन टू फ्रैक्शंस बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शन देखिए, इसके बारे में हम लोग क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीजें हैं जो रिकॉल कराता हूँ। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शन क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जो a अपॉन b की फॉर्म में है, और a और b क्या है? वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नॉन एज फ्रैक्शन। बात समझ में आई? देखिए, मैं हर चीज की डेफिनेशन इसलिए बताता हूं क्योंकि डेफिनेशन से बहुत चीज क्लियर हो जाती है। तो a अपॉन b की फॉर्म में कोई भी एक नंबर होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां ए और बी क्या है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। याद रखो, नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल, नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 2/3 ले लो, 1/2 ले लो, 7/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फिफ्थ क्लास में, सिक्स में इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, कुछ फ्रैक्शन तो जो है हमारे नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब जो हम पढ़ते आए हैं अब तक, उन्हीं के बारे में बताता जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले जो फ्रैक्शन है हमारा, मान लो सबसे पहले आता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसकी इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट में बताते हैं। ये तो पता चल गया कि फ्रैक्शन में क्या है, एक ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमेटर बोलते हैं। तो अब मैं बात न्यूमरेटर और डेनोमेटर लेकर के करूंगा। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डेनोमेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डेनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा है? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमिनेटर जो है वो क्या है? सेम है, और न्यूमरेटर क्या? अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो 5/6, 7/6, ठीक है, 11/6। तो इस तरीके से हम एटसेट्रा बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं लाइक फ्रैक्शन के, जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके बाद में सेकेंड हमारा आता है अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में देख लो भाई क्या है। इसके जस्ट अपोजिट वहां क्या होगा बताइए। डिफरेंट डेनोमेटर होंगे, क्या होगा? और न्यूमिरेटर से कोई वो नहीं फर्क। मतलब ऐसा नहीं है जैसे यहां पर हमने ये बोल दिया कि फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनके डेनोमेटर सेम हो, न्यूमिरेटर अलग अलग हो, तो वो क्या है? लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? डेनोमेटर क्या होंगे? अलग अलग, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि वहां डेनोमेटर हम सेम कर दें, नहीं, न्यूमरेटर सेम कर दें, न्यूमरेटर सेम नहीं होंगे वहां। तो यहां पर क्या होंगे? यहां पर हमारे न्यूमरेटर के साथ साथ डेनोमेटर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2/5 है, 5/7 है, 9/13 है, एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन का क्या हो गया? मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिफरेंट, वो जिनके डेनोमेटर क्या हो? अलग अलग हो,
ठीक है, न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर भी अलग अलग हो, ठीक। इसके बाद में थर्ड, प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो होता है हमारा, न्यूमरेटर, एन फॉर न्यूमरेटर लिख रहा हूं यहां पे, या पूरा लिख रहा हूं, न्यूमरेटर जो होगा, प्रॉपर की बात कर रहा हूं, इज लेस देन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, ठीक है। एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 2/3 ले लो, 4/7 ले लो, ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। फोर्थ, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां पर हमारा जो न्यूमरेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, डेनोमिनेटर से, ठीक है। तो 5/2 है, 7/3 है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये चीजें आपने फिफ्थ क्लास से पढ़ी हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर। इसी बात फिफ्थ एक और आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, होल में लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं हम, होल में लिखते हैं, मतलब जैसे देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन की एक कंडीशन बता दूं आपको, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, हम उन्हीं को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं सीधे, मान लो कहीं लिखा है 2/3, तो इस टाइप से दिखने वाले जो फ्रैक्शन होंगे ना, इस तरीके से दिखने वाले फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करना ध्यान दीजिए, देखो 3, 2 या 6, 6 एंड 1 क्या हो जाएगा, ये 7/3, और तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या हो गया इसका, बड़ा, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा, तो ये कौन सा हो गया आपका, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कौन से फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हम केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, इसके बाद में कुछ फ्रैक्शन और हैं जो मैं आपको बता दूं यहां पर, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। आप क्या बोलिए सर, डेसिमल फ्रैक्शन कैसा होता है, ये डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है, ठीक है, तो बताते क्या होता है, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डेनोमिनेटर होता है ना, वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके की फॉर्म में होता है, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ए फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर, हुज डेनोमिनेटर इज एनी, इज एनी ऑफ द नंबर्स, और वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं आपके, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरीके से, मतलब हो कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर, मतलब इस फॉर्म में 10, मतलब मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 भी क्या नहीं बोल सकता मैं, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आ सकता है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, इस तरीके के जो डेनोमीटर होंगे वो क्या होगा हमारा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/10, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, कैसे है बताता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3, देखो आ गया पॉइंट में, मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मान लो 27/100, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इन डेनोमीटर्स को लेकर के, जो हमारे क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, अब देखो इसके आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है हमारा वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप इसका, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो डेनोमीटर जो होगा वो कोई भी एक होल नंबर होगा, कोई भी एक होल नंबर होगा अदर देन 10, 100, 1000, इन नंबरों को छोड़ करके, यानी जो मैंने अभी आपको डेसिमल फ्रैक्शन में जो डेनोमीटर्स बताए थे ना, उन डेनोमीटर्स को छोड़कर इस कोई भी होल नंबर हो, ठीक है ना, तो वो उस तरीके का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, वल्गर फ्रैक्शन होता है। तो जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, ए फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज
डेनोमिनेटर उस डेनोमिनेटर इज ए होल नंबर, ठीक है ना, अदर देन होल नंबर, अदर देन 10, 100, 1000, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये इन नंबरों को छोड़ करके जो भी आपका डेनोमिनेटर होगा, ठीक है, होल नंबर में, वो क्या होगा, आपका वल्गर फ्रैक्शन होगा। कौन सा होगा? वल्गर फ्रैक्शन होगा। और एग्जांपल में हम देख सकते हैं, कोई भी ले लो, 2/9 है, 4/13 है, 13/20 है, या 27/ कुछ भी ले लो, 109 है, इस तरीके से कुछ भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से, तो हमने जो भी फ्रैक्शन पढ़े, जितने ही फ्रैक्शन पढ़े, वो किनका कॉम्बिनेशन है? वल्गर फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का। भाई फ्रैक्शन क्या होगा? या तो डेसिमल होगा या वल्गर होगा। डेसिमल होगा, नीचे मैंने बताया उस तरीके, उसी के बाद में हमारे सारे फ्रैक्शन जो है, सारे फ्रैक्शन जो तभी बने, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, लायक हो, अनलायक हो, मिक्स्ड हो, ये सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे क्या बने? उसी के बाद में ही आए हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है हमारा, कंपेयर ऑफ टू फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस और मोर देन टू फ्रैक्शंस। मतलब अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस की, दो फ्रैक्शन का और दो से ज्यादा फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को देखते हैं। तो हमेशा याद रखो, मान लो दो फ्रैक्शन है कोई भी, एग्जांपल लेते हैं, सीधे एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 3/5 है और 5/8 है, ठीक है। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है, हमें देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डेनोमीटर तो सेम है नहीं। अगर डेनोमीटर सेम होते, ये लाइक फ्रैक्शन होते, तो हम यहीं के यहीं इनको तुरंत बता देते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इस तरह की जब भी कंडीशन आ जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इधर के न्यूमिरेटर में इधर के डेनोमीटर का मल्टीप्लाई और इधर के न्यूमिरेटर में इधर के डेनोमीटर का मल्टीप्लाई। एक बात याद रखना, ये न्यूमिरेटर अपनी साइड पे ही रहेगा, ये न्यूमिरेटर अपनी साइड पे ही रहेगा, साइड इन दोनों की चेंज ना हो जाए, डेनोमीटर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये डेनोमीटर यहां पहुंच जाएगा, ये डेनोमीटर यहां पहुंच जाएगा, बट न्यूमिरेटर अपनी अपनी साइड पे ही रहेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 24 और 25, कौन सा बड़ा है दोनों में, ये बड़ा यानी इधर वाला। तो इसका मतलब 3/5 में और 5/8 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ये। आई बात समझ, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 9/16 ले लिया एक हमने और एक ले लिया 13/24, नहीं बता पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, कंपेयर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 24 एंड 13 × 16 मल्टीप्लाई करो, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18 and 3 = 216, इधर करो, 36 = 78, 13 × 13 = 39, 7 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। तो ये हो गया हमारा टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका, ठीक है। अब मोर देन टू अगर आ जाते हैं, मोर देन टू जब आते हैं तो हम बोलते हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मोर देन टू में हमेशा कंडीशन हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उनको हम कैसे करेंगे, तो मैं एक बता देता हूं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे 2/5 है, 3/10 है, 9/14 है, 16/35, हमें इसमें कंपेयर करना है। अब वो ये नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में, ये नहीं बोलेंगे कि इसको कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर हमेशा दो में ही होता है, ठीक है ना, लेकिन कंपेयर यहां भी हो जाएगा। कंपेयर का मतलब या तो छोटे से बड़े की तरफ लिखो या बड़े से छोटे की तरफ, तो इसका एक ऑर्डर देंगे लिखने के लिए कि या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मान लिया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
देखो क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको हमें लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ ये तो करेंगे नहीं कि पहले इन दोनों को कर लिया, फिर इन दोनों को कर लिया, फिर इन दोनों को कर लिया, ऐसा नहीं करने वाले, सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डेनोमिनेटर दे रखे होते हैं इन सबका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम आप शो करेंगे नोटबुक पे जब भी क्वेश्चन करेंगे, ये कोई रफ वर्क नहीं है, साइड में आप बाकायदा एलसीएम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम, देखिए 2 5 10, 2 7 14, 35, इसके बाद में 5 से जा रहा है, 5 5 5, 5 7, 5 7 35, एलसीएम तो सभी को आते ही है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 5 10, 10 7 70, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 70, ठीक है। तो जितना एलसीएम आया वो हम यहां लिखेंगे। अब क्या है इस डेनोमीटर का, इसमें हम क्या करते हैं डिवाइड, इस डेनोमीटर का हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। देखो इन सब का डेनोमीटर अब 70 हो गया, इन सब का डेनोमीटर कितना हो गया, अब ये 70 हो गया। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेंज करने हैं सबके, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो 5 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 14 टाइम्स, 14 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 14 2 28। इसे 10 का इसमें करेंगे, 10 7 जा, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई 21, 14 का 70 में डिवाइड 14 5 जा, एंड 5 का 9 में 45, 35 का इसमें करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का इसमें करेंगे 32, ठीक है। अब देखो सबका डेनोमीटर सेम हो गया, न्यूमीटर सबके अलग अलग हो गए। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा आता है, देखो कौन सा है 21, और 21 कौन से नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन में कौन सा है ये वाला, तो ये 3/10 क्या हो गया हमारा, सबसे छोटा हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में साइन जरूर लगाया करो ये वाला, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां सबसे बड़ा पहले आता है। अब इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 28 कौन सा है हमारा फ्रैक्शन, सबसे पहला वाला, यानी कि 2/5, देन 32 यानी 16/35, एंड देन 45 यानी कि 9/14, सॉरी, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने अभी आपको इस वीडियो में पार्ट वन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और कंपेयर एंड कंपेयर बताई है, इसमें करना टू फ्रैक्शन की और मोर देन टू फ्रैक्शन की, ठीक है। तो अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2A आप आसानी से कर सकते हैं कि उसमें आपको कंपेयरिंग दे रखी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और दे रखे हैं उसमें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक। और तब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो का अगला पार्ट जब इसका आएगा उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिए जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी बता दिए जाएंगे, इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आपके दो पार्ट में खत्म हो जाएगा, दो पार्ट की वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में, ठीक है, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई मीन क्लास 7 का फ्रैक्शन चैप्टर 2 फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। पिछली वीडियो के पार्ट 1 में हमने फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ लिए थे, कंपैरिजन पढ़ लिया था, असेंडिंग डिसेंडिंग ये चीजें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो पार्ट रह गया है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर वो एक रूल फॉलो किया था एलसीएम वाला, वही रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। टू एंड मोर देन टू फ्रैक्शंस को हमें जब ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं मोर देन टू के बता रहा हूं, मोर देन टू, मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन है 7/12, 11/16 एंड 9/24, इसको हमें ऐड करना है, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो देखिए यहां सारे के सारे फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक है, यानी किसी का डेनोमीटर सेम नहीं है। अगर हमें ये ऐड करनी है तो इनका डेनोमीटर हमें सेम करना पड़ेगा, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है ना, हमें हमेशा डेनोमीटर सेम करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, एडिशन में फ्रैक्शन 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एडिशन में 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो सकते हैं, बट सब्ट्रैक्ट में केवल 2 ही फ्रैक्शन दे रखे होंगे जिनके बीच में माइनस का साइन लगा होगा और वो हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है ना।
और इसके अलावा सिंप्लीफाई का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल चलता है, जो आपने सिक्स क्लास में चैप्टर किया भी था, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले डेनोमीटर सेम करना, और डेनोमीटर सेम करने का मैंने सबसे पहला रूल जो बताया, पहला लास्ट जो भी है वही है, एक क्या करना आपको इन डेनोमीटर्स का एलसीएम लेना है, और एलसीएम कोई रेफर नहीं करना, आपको वही साइड में अपनी नोटबुक पे शो करके दिखाना है एलसीएम, ये याद रखना। अगर आपने एलसीएम शो करके नहीं दिखाया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये माना जाएगा कि आपने कहीं से चीटिंग कर ली, ठीक है ना, भले ही आपने रफ पे कर लिया हो, बट ये माना जाएगा आपने चीटिंग करके एलसीएम कहीं से लिख लिया है, तो इसलिए आप करें, रफ पे करेंगे वैसे साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेंगे हम, 2 6 12 2 8 16, और ये 2 3 2 4 2 6 2 2 4 2 3 6, अब ये 3 से 2 1 2, एंड 3, एंड लास्ट ये 3 से। एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4 2 8 2 16 and 16 3 48, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक, ये एलसीएम आ गया। अब वही जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में करा था उसी तरीके से हम यहां पर करेंगे। तो एलसीएम हमने लिखा 48, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, वही यहां से यहां इसका डिवाइड और फिर देन मल्टीप्लाई, 12 4 48 and 4 7 28 16 3 3 times 3 और 3 गए थे मल्टीप्लाई 33, 24 2 जा और 2 करना है मल्टीप्लाई 18, इसको प्लस कर दो सिंपल, 8 and 3 11 11 and 8 19 का 9 1 2 and 1 3 3 and 3 6 6 and 1 7 upon 48 79 upon 48, ठीक है। अब देखो हमेशा यहां पे आपका जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट जरूर कर दें, जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, या उसको सिंपलेस्ट कर दें, मतलब उसको और कर दें, रिड्यूसिबल कर दें उसको, और मतलब किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काट दें, ठीक है ना। आंसर हमारा ये नहीं है, एग्जैक्ट आंसर हमारा जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं मैथ में, हम जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक हमें सॉल्व करना है, तो ये किसी से कट तो रहा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दूंगा। तो 48 का जब 79 में, और इम्प्रॉपर को देखो चेंज, इम्प्रॉपर में चेंज करने का क्या तरीका होता है, डेनोमीटर का न्यूमिनेटर में डिवाइड, सिंपल तरीका होता है, देखो ये होता है तरीका, डेनोमीटर का न्यूमिनेटर में डिवाइड, कितने टाइम जा रहा है 48 1 जा 48, बचा कितना 1 and 3, कुछ नहीं, जो आपका क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन जो आया वो यहाँ होल्ड में आ जाता है, कि वो पूरा कंप्लीट आ गया, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और जो डिवाइजर जो है वो नीचे, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं किन्हीं भी फ्रैक्शन का, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट हमारा क्या, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में आप देख लो हमें कैसे करना है, तो मैंने बताया था जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमेशा दो ही फ्रैक्शन दे रखे होंगे आपको, जैसे कोई मैं बुक के ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको एक्सरसाइज में से ही, ठीक है ना। तो जब आप एक्सरसाइज देखेंगे ना सॉल्व करने बैठेंगे तो सेम क्वेश्चन होंगे जो मैंने करे हैं, कहीं अलग से नहीं दिए, ये करना है। तो वही मिक्स फ्रैक्शन दे दिया आप यहां, अब मिक्स फ्रैक्शन से तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 9 2 18 18 and 5 23 upon 9 15 1 15 and 7 22 upon 15, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 15, ठीक है, देख लो करके दिखा देता हूं, 3 3 या 9 3 5 या 15 sorry 3 1 या 3 5 and, ठीक है, सोच रहे हो सर आप तो कह रहे 15 या 45 आ गया, ध्यान नहीं दिया था 5 का मल्टीप्लाई, 45 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो अब वही प्रोसेसिंग 9 का इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 पे से मल्टीप्लाई, 5 3 15 1 5 2 10 एंड 1 11 माइनस 15 3 जा एंड 3 का इसमें करेंगे तो 66। अब क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में 6 गया कितना बचा 9, यहां रहेगा 10 में 6 गया क्या बचा 4, 49 अपॉन 45, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1 whole 4 upon 45, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्ट। अच्छा सिंपलीफाई कहीं भी करने को आ जाए तो आप दो दो फ्रैक्शन करके करना, मैं एक और सिंपलीफाई का भी करके बता रहा हूं आपको क्वेश्चन,
सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई लेके देखते हैं हम बुक का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट जैसे ये है 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि उसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीजें करवा ली होंगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम लेंगे 3, 6 और 9 का एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। 2 से जा रहा है 2, 3 या 6 एंड 3 से फिर जाएगा, सॉरी वन टाइम, और ये 2, 3 या 6, 3 या 18 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 18। अब प्रोसेसिंग वही रहेगी, 3, 6 या 18 एंड 6, 2 या 12, फिर 6, 3 या 18, 3, 5 या 15 माइनस 9, 2 या 18 एंड 2। अब हमें क्या करना है, स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल क्या करेंगे हम, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 27, और 27 में से फिर 2 को क्या कर दें आप, लेस कर दें, तो कितना बचा 27 में से 2 को लेस करके 25/18, देख लो ना कितना आया 27, 27 में से 2 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो आंसर आएगा 1/7/18, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन और एडिशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, 3 फ्रैक्शन है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी कितने भी हो सकते हैं, आप याद रखना, 2 फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप, आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है, करना नहीं है लिखना है, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट मल्टीप्लाई करना नहीं है सिर्फ लिखना है इस तरीके से एक साथ, ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें आपस में ये देखना है कौन सा नंबर किससे कट रहा है, मतलब इसको सिंपलेस्ट करेंगे। तो देखो अगर ऊपर के किसी नंबर से नीचे के किसी नंबर में डिवाइड जा रहा है तो दे दो, डिवाइड जा रहा हो तो कर दो, या नीचे किसी नंबर से ऊपर के नंबर में डिवाइड जा रहा है तो करके देख लो, या अदरवाइज इन मतलब इनमें नंबर नहीं है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका ऊपर के भी नंबर में या न्यूमरेटर में भी डिवाइड जा रहा है किसी एक में या एक से ज्यादा में, और नीचे भी डिवाइड जा रहा है तो दे दो। लेकिन हम करेंगे एक टेबल का एक ही बार में, ये नहीं मान लो मैंने एक टेबल ले ली कोई 5, तो 5 से देखो 15 भी कट रहा है और 35 भी कट रहा है और नीचे 25 भी कट रहा है, तो मैं एक बार में ये नहीं करूंगा कि 5 से ये भी काट दिया, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बार में न्यूमिनेटर में से एक नंबर लेना है और डेनोमिनेटर से भी एक नंबर लेना है। कोशिश ये करनी है कि बड़ी से बड़ी टेबल देखनी है, पहले तो इन्हीं में ही देख लो। अब देखो मुझे दिख रहा है कि 12 से 36 में डिवाइड चला जाएगा, तो देखो 12 1 12 12 3 या 36। अब मुझे ये दिख रहा है कि 5 से डिवाइड जा रहा है, तो देखो 5 3 या 50 15 और 5 5 या 25, देख लो मैं एक ही एक टेबल ले रहा हूं, मतलब 5 ली तो मैंने एक बार न्यूमिनेटर में से ले ली, एक बार डिनोमिनेटर में ले ली। अब देखो 5 का ऊपर 35 में अगेन जा रहा है, 5 बन जा 5 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट रहा है पूरा, 3 बन जा 3 3 बन जा 3, ठीक है। अब इस 7 का देखो इस 28 में जा रहा है, 7 बन जा 7 7 4 जा 28। अब इसके अलावा देखो कुछ नहीं बचा, कि ऊपर तो 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1 का सबका मल्टीप्लाई क्या आएगा 1, और नीचे क्या है 1 4 1, यानी 1 4 जा 4 4 1 जा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको मिक्स्ड में चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर। एक चीज याद रखना, ये काट पीट हम तभी करते हैं जब हमारा फ्रैक्शन जो हो वो मल्टीप्लाई में हो, जब फ्रैक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो। कहीं भी ये मत कर देना कि हम बीच में प्लस का साइन लगा और आपने काट दिया, गलत हो जाएगा। प्लस और माइनस में हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ध्यान रखो मेरी बात को, नोट कर लो कहीं भी चाहे, प्लस और माइनस में फ्रैक्शंस हो तो हम हमेशा क्या करते हैं एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, ठीक है। प्लस और माइनस में यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते वक्त डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तब सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम क्या करते हैं एलसीएम नहीं लेते हैं, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से। एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि मान लो ये दे दिया कि हमसे फाइंड करवा रहा है, मल्टीप्लाई में ही है बट थोड़ा सा चेंज है ना, बोले कि 6/7 ऑफ 35 लीटर,
कि भाई 35 लीटर का 6/7 पार्ट कितना होगा बताओ, है ना, 35 लीटर का 6/7 पार्ट कितना होगा ये बताओ। तो हम सब जानते हैं कि ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 6/7 मल्टीप्लाई 35 लीटर। अब एक बात याद रखना, अगर यहां हमारे डेनोमीटर का इसमें डिवाइड जा रहा है तो यूनिट जो है वो चेंज मत करो, और अगर डिवाइड नहीं जा रहा होता, कुछ अलग होती यूनिट, तो हम यहां यूनिट चेंज करते, यही लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करते या सेंटीलीटर में कन्वर्ट करते। अधिकतर लीटर को हम मिली लीटर में ही चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन के लिए। वैसे कन्वर्जन अलग होता है। तो 7, 5, 6, 30, तो आंसर क्या आ गया, 30, और 30 लीटर ही रखेंगे, ठीक है। फाइंड का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सुनोगे सब क्या। देखिए कह रहे हैं 1/6 ऑफ एन आवर, 1/6 ऑफ एन आवर, एक आवर का 1/6 पार्ट बताओ। अब हमें पता है भाई 1 आवर, तो 1/6 मल्टीप्लाई 1 आवर। अब क्या करोगे भाई, 1 में तो जा नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आवर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिनट में या सेकंड में, ठीक है। तो अगर मिनट में चेंज करें, काम चल रहा है तो चला दो भाई, मिनट में चेंज करें तो 1 आवर 60 मिनट होते हैं, यहाँ 60 हो जाएगा और 6 से कट जाएगा, तो हमारा आराम से चेंज हो रहा है, तो 1/6 × 60। लेकिन अब यहाँ आवर नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मिनट्स, क्या लिख देंगे हम, मिनट्स, ठीक है। तो ये कट गया हमारा 10 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 मिनट्स, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों, ठीक है। अच्छा ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये मैं मेथड समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे होती है। आपकी एक्सरसाइज में क्या दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज भी दे रखी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है वहां पर, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से समझनी है और देखना है कि उसमें हमें करना क्या है क्वेश्चन में, है ना, और आप करेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है वर्ड प्रॉब्लम में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहले मैं बता दूं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी करके दिखा दूंगा मैं, फिलहाल मैं बता दूं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, डिवाइड, डिवाइड कैसे करती है, ठीक है। बोल दिया कि भाई 5/9 में डिवाइड करो 2/3 से, 5/9 में 2/3 से डिवाइड करना है। तो देखो इसको लिखने का तरीका, 5/9 वाई की जगह डिवाइड का साइन 2/3। अब ये बोलोगे कि सर आपने अभी ऊपर कहा था कि न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमीटर का डेनोमीटर से डिवाइड, वो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर हम वही रूल्स अगर यहाँ फॉलो करें तो इस तरीके से न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में डिवाइड कर देंगे और डेनोमीटर का डेनोमीटर में डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही बात, आप सही सोच रहे हैं, कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में करेंगे वही, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर से डिवाइड, डेनोमीटर का डेनोमीटर से डिवाइड, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। हम डिवाइड को डिवाइड के साइन से कभी नहीं करते, उसको चेंज करते हैं हम किसमें, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये थोड़ी है कि मतलब ऐसे ही घर की पंचायत है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगी, और वो चेंजिंग क्या होती है, इस सेकंड फ्रैक्शन में जो दे रखा है, ये वाला, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, ये 3/2, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमेटर, यानी न्यूमिनेटर नीचे हो जाएगा, डेनोमेटर ऊपर हो जाएगा। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं, 5 × 3/9 × 2, देखो 3 बन जाए 3, 3 3 या 9, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6, 5 बन जाए 5, 2 3 या 6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और देखो एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4/2/7 में डिवाइड हमें करना है 2/2/5 का, ठीक है, तो चेंज करें, 7 × 4 = 28 × 2 = 30/7 डिवाइड करना है हमें, 5 × 10 = 2 = 12/5 का, ठीक है। अब वही चीज 30/7 डिवाइड को किसमें चेंज करें, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/12, तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 5/7 × 12, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके कुछ हो रहा है, अब यहां तो कोई टेबल ऐसी नहीं है इन नंबरों में, इन्हीं नंबरों से जो ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो, लेकिन
एक टेबल है जिससे ये कट रही है क्या 12 और 30, देखो 6 से 6 2 या 12 6 5 या 30, अब कुछ नहीं कट रहा तो आंसर क्या जाएगा हमारा 5 5 या 25 अपॉन 14। अब इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, 14 बन जा 14 बचे कितने 11 अपॉन 14, दिस इज आंसर। तो बात समझ में आई, ये काटपीट भी कब करते हैं हम, जब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ प्लस या माइनस का साइन लगाओ तो मत करने लगना, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन महान तरीके से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई थे, डिवाइड थे, एडिशन थे, सब्ट्रैक्शन थे, बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज और है, उन क्वेश्चंस को आपको समझना है और लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना, और उनको हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें तो ये हो गया, ठीक है, अच्छा हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ, एक दो मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों में मिक्सअप में है थोड़ी सी, एक दो क्वेश्चन वो मैं बता दे रहा हूँ करने का तरीका कैसे क्या करना है। आपको क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है वर्ड प्रॉब्लम वाले में, बस पढ़ना है सही से क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये तरीके सारे आई गए, ठीक है। डिवाइड में ध्यान रखना, सेकंड फ्रैक्शन में क्या करते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे ये कहूं क्वेश्चन ये आ जाए कुछ के राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, 5/7 का रेसिप्रोकल लिखो तो क्या होगा, क्या होगा 5/7 का रेसिप्रोकल, कैसे लिखोगे आप, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज इक्वल टू, चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं चेंज, यही 7/5, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक दो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2B का, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 5/7 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी क्लास, यानी क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं 42 हैं, 42 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, इनमें से 5/7 यानी इस इन स्टूडेंट्स का 5/7 पार्ट जो है वो क्या है बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, अगर हमें बॉयज पता चल जाए तो हम गर्ल्स आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें बॉयज पता चल जाए हम गर्ल्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या कर देंगे गर्ल्स में से वो टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे तो गर्ल्स निकल के आ जाएंगी, बट हमें टोटल स्टूडेंट पता है लेकिन बॉयज नहीं पता, लेकिन बॉयज का हमें पार्ट पता है कितना 5/7, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे 42 है, बॉयज कितने हैं 5/7, 5/7 बॉयज नहीं है 5/7 पार्ट है, 5/7 ऑफ 42 है, इसको लिखने का तरीका देख लो 5/7 ऑफ 42, यानी इस 42 का जो 5/7 पार्ट आएगा वो बॉयज हैं, तो 5/7 इंटू 42 अपॉन 1 मान लो, देखो 7 से कट जाएगा 6 टाइम्स 6 5 या 30, तो बॉयज कितने हो गए हमारे 30, तो गर्ल्स कितनी है अब टोटल स्टूडेंट में से बॉयज माइनस कर दो 42 माइनस 30 कितनी होगी 12। तो सिंपल था क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और कुछ भी नहीं है कि लैंग्वेज बोल क्या रही है, ठीक है ना। अच्छा कहीं पे अब कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई भी रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, एरिया फाइंड करो, हमें पता है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिवाइड में जैसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो डिवाइड आपको पता है कि डिवाइड कब करते हैं हम, जब हमें मोर वैल्यू दे रखी है और ईच वैल्यू हमसे पूछी जाए तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना, सिंपल सी चीज है। जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन एक दे रखा है, मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 3/4 पर ऑरेंज, ए मैन गेट्स ₹378, हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल, देखो मतलब एक ऑरेंज की जो वैल्यू है यानी जो कॉस्ट है वो कितनी है 6 होल 3/4, और टोटल उसने इतने रुपए प्राप्त किए यानी इतने रुपए उसने अर्न किए उस दिन ऑरेंजेस सेल करके, ठीक है सारे ऑरेंज उसने सेल कर दिए उसके बाद रुपए इतने आए, लेकिन उसके बाद ऑरेंज कितने थे ये हमें नहीं पता, ये हमें बताना। देखो एक सिंपल सी मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज आपको कि आपके पास पेंसिल है, ठीक है आपके पास पेंसिल है और आप ₹2 की एक पेंसिल सेल करते हैं और आप
₹10 अर्न कर लेते हैं। आपके पास जितनी पेंसिल थी आपने सब सेल कर दी, ₹2 की एक पेंसिल के हिसाब से, और ₹10 आपके पास आए, तो आपने कितनी पेंसिल सेल करी? ये मैंने छोटी सी प्रॉब्लम बताई तो आप तुरंत बता देंगे कि सर 5 करी। कैसे की हमने? कि जो ईच वैल्यू जो थी, यानी एक पेंसिल की जो कॉस्ट थी, उसका हमने टोटल कॉस्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हमारे क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ वैल्यू निकल के आ गई जो हमसे पूछी थी, ठीक है ना। वैसे ही यहां करेंगे, ईच वैल्यू का हम टोटल वैल्यू में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल है, पहले तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज कितनी दे रखी है रुपीज, 6 होल 3/4। सॉल्व कर दो इसको, 4 3 24 24 एंड 3 27/4 रुपीज, ठीक है। और टोटल मनी कितना है, टोटल गेट्स अमाउंट ₹378, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंज हमें जब निकालनी है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए क्या करेंगे हम, इस कॉस्ट का इसमें डिवाइड, ठीक है, ज्यादा में कम का डिवाइड करते हैं, तो ज्यादा क्या ये कम ही है, तो 378 डिवाइडेड बाई 27/4, ठीक है। तो 378 अपन मान लो, जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और चेंज, ठीक है। अब डिवाइड दो, देखिए अब हमें 27 की टेबल मान लो नहीं पता जा रहा है डिवाइड या नहीं जा रहा, हमें नहीं पता, तो आप क्या करें, किसी छोटी टेबल से डिवाइड देके देख ले, ठीक है, 9 से जा रहा है, देखो 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 2 18, फिर ये 3 से जा रहा है, देखो 3 1 3 3 4 12, तो ये 14 4 कितना हो गया 56। तो ये जो टोटल ऑरेंजेस जो हमने सेल करे हैं वो कितने करे हैं, 56। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या आ गए हमारे, 56 आ गए। इसी तरीके की आपकी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, मतलब पढ़ना है उसको, ही लैंग्वेज क्या कह रही है वो आपको निकालनी है, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बाकी किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, ये आप 3rd 4th क्लास से ही सीखते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी। इसके अलावा अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे जो नहीं समझ में आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 2 पार्ट की वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फ्रैक्शन चैप्टर 2nd फिनिश हो गया। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज करने की जो है 2A 2B एंड 2C तक एक्सरसाइज है, ठीक है। मैं इसके बाद में मैं जो इमेज भेजता हूँ आपके पास, वो इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, और टेस्ट पेपर भी भेज देता हूँ, वो इसलिए भेज देता हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से, ठीक है ना। तो वो कोई फेयर पे करने की जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाई जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और जो टेस्ट पेपर जो मैं बाद में भेजता हूँ, जो बुक में दे रखी है, जैसे लास्ट ईयर भी दे रखी थी 6th क्लास में, तो उनको आपको फेयर नोटबुक पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फेयर नोटबुक पे आप जो कर रहे हैं वो केवल जो एक्सरसाइज है ABCD ABC तक है, तो सी तक ही कर रहे हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो उसके आगे की आप फेयर पे ना करें, बट रफ पे अपनी प्रैक्टिस कर लिया करें, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 2nd चैप्टर खत्म होता है क्लास 7th का। ओके, गुड बाय, थैंक यू।